प्रणाली से जुड़े हुए हैं, उनको लाभ देने की मंशा से सरकार कार्य कर रही है। माननीय आशुतोष सिन्हा जी। सभापति महोदय, पहले तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो ये नई पेंशन प्रणाली शुरू हुई उसमें LIC, SBI, ICICI, Prudential, HDFC, स्टैंडर्ड लाइफ और स्टार यूनियन डाई इसी के माध्यम से ये पैसा शेयर बाजारों में लग रहा है। तो ये जो पैसा शेयर बाजारों में लग रहा है तो इसमें क्योंकि आप इसको गारंटेड प्लान भी उनके चलते हैं तो गारंटेड प्लान में अगर लगा देने का काम करते तो शायद बहुत फायदा होता। मैं इसलिए भी बताना चाहता हूं सभापति महोदय, क्योंकि भूमिपाल सिंह जी जो JP इंटर कॉलेज अलीनगर के रहने वाले हैं फिरोजाबाद के, वो शिक्षक पद पर थे, 67,000 रुपए उनकी सैलरी थी। 18 मई 2007 से लेकर 31 मार्च 2018 को ये रिटायर हुए, इनको पेंशन 1 रुपया नहीं मिला, 0 पेंशन मिल रहा है। और आपको DK श्रीवास्तव जी श्री रामचंद्र इंटर कॉलेज अमरोहा के हैं, ये 75,200 रुपए पाते थे पेंशन, मैंने इनकी सैलरी 75,200 रुपए थी और जब रिटायर हुए तो 650 रुपया इनको मिल रहा है। इसी तरह राजेंद्र सिंह जी जो राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे अमरोहा के, उनको 75,200 इनकी भी सैलरी थी, इनको 550 रुपए पेंशन मिल रहा है। तो अगर इस तरह से पेंशन मिलेगा तो गरीब और जो 75,000 रुपए महीना पाने वाले व्यक्ति को जब उसके रिटायरमेंट के बाद 500 रुपए मिलेगा, तो मैं माननीय मंत्री जी, क्योंकि बहुत सारे सदन में ऐसे लोग भी हैं जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है, तो अगर किसी के बुढ़ापे में हमें लगता है हमारा आपका बेटा हमारा आपका सहयोग करेगा कि नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पेंशन एक ऐसी व्यवस्था है जो बेटे की तरह साथ में रहकर कहीं ना कहीं से मदद करने का काम करेगी, अपने बुढ़ापे में दवाई इलाज की व्यवस्था उसकी सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए बस यही कहना चाहता हूँ कि LIC, SBI और ऐसे जो शेयर पेंशन योजना आप पर लागू नहीं है, जो शेयर में लगा रहे हैं पैसा उसको गारंटेड प्लान में लगाने का काम करें। सवाल यही है कि